जय हो श्री राम भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। फिर अनेक भांति से जेवनार हुई। राजा जनक ने ब्रातियों को बुला भेजा। तब तो सुंदर वस्त्रों के पांवड़े पर पैर रखते हुए राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गबन किया, सबके सादर चरण धुलाए और यथा योग्य आसनों पर बैठाए। जनक राजा ने अयोध्या पति राजा के चरण धोए। उस समय का वह शील स्नेह वर्णन नहीं किया जाता है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जय सिया राम, जय हर हर ज कमल महंगोए, जय सिया राम। तीन हूँ भाई राम सम जानी, जय सिया राम, धोए चरण जनक निज पानी, जय सिया राम। आसन उचित सब ही नृपदीन है, जय सिया राम, बोली सुपकारी सब लीन है, जय सिया राम। सादर लगे पहन परन पनवारे, जय सिया राम, कनक कील मणि परम समारे, जय सिया राम। सुपोदन सुर भी सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत, क्षण में सबको परस गए चतुर सुवार पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। फिर राम जी के चरण कमल धोए, जिनको शिव जी ने अपने हर्ज रूपी कमल में छिपा रखा है। फिर तीनों भाइयों को राम जी के समान ही जान उनके चरण जनक जी ने अपने हाथ से धोए। राजा ने सबको योग्य आसन दिए और सब रसोई करने वालों को बुला लिया। आदर सहित पत्तलें पड़ने लगी, जिनमें मणियों के पत्ते सोने की कील से जड़े गए थे। फिर सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात तथा गौ का घी क्षण भर में सब चतुर रसोई नम्र भाव से सबको परोस गए। पंच कवल करी जे मन लागे, जय सिया राम, गारी गान सुनी अति अनुरागे, जय सिया राम। भांति अनेक परे पकवान ने, जय सिया राम, सुधा श्री नहीं जाही बखाने, जय सिया राम। परसन लगे स्वार सो जाना, जय सिया राम, व्यंजन विध नाम को जाना, जय सिया राम। चार भांति भोजन विधि गाई, जय सिया राम, एक एक विधि वर्णी न जाई, जय सिया राम। सब लोग पांच ग्रास निकाल कर खाने लगे और गाली गीत सुनकर अत्यंत मुदित हुए। और भी तरह तरह के अमृत समान स्वादिष्ट पकवान थे, जिनकी प्रशंसा नहीं हो सकती। चतुर रसोईया विविध भांति के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कोई नहीं जानता। चार प्रकार के भोजन भक्ष्य भोज्य लेह चौस्य कहे जाते हैं, जिनमें एक एक विधि के अनेक प्रकार के पदार्थ थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छह रस रुचिर व्यंजन बहुभांति, जय सिया राम, एक एक रस अगणित भांति, जय सिया राम। जेमत जेहि मधुर धुनि गारी, जय सिया राम, लेई लेई नाम पुरुष अरुणारी, जय सिया राम। सुंदर छह रस और बहुत प्रकार के पकवान थे, उनमें एक एक रस के भी अगणित भांति के थे। जेमते समय स्त्रियां नाम ले लेकर मीठी वाणी से गारी देने लगी। समय सुहावनी गारी विराजा, जय सिया राम, हंसत राव सुनी सहित समाजा, जय सिया राम। एह विधि सब ही भोजन कीन, जय सिया राम, आदर सहित आचमन लीन, जय सिया राम। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गमने मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। गाली देने का सुहावना समय है, जिन्हें सुनकर राजा दशरथ समा सहित हंसते हैं। इस प्रकार सब ने भोजन किया और आदर सहित आचमन लिया। राजा जनक ने पान देकर समाज सहित दशरथ का पूजन किया। फिर सब राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ प्रसन्न हो जनवासे को चले गए। राम कलेवा।
भोर भय अहने कुमार को जनक वेगी बुलवाए। सुनके पितु संदेश लक्ष्मी निधि सखन सहित है आए। सादर के प्रणाम चरण छुए लखी बोले मिथिलेश हु। गमन हुता तुरत जनवा से जय श्री अवध नरेश हु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। प्रातःकाल जनक जी ने अपने कुंवर को बुलवाया। लक्ष्मी निधि पिता का संदेश सुन सखाओं समेत वहां आए। आदर से चरण छूकर प्रणाम किया। तब जनक जी बोले हे पुत्र तुम जनवासे में श्री दशरथ जी के निकट जाओ। विनय सुनाए राय दशरथ सो पाए। रजाए सच्चे तू आन हुचारियु राजकुमारन करन कले उहे तू। यह सुनि शीश नाय लक्ष्मी निधि भरी उर्मोद उमंगा। सखन समेत मंद हसी गमने चढ़ी चढ़ी चपल तिरंगा। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। राजा दशरथ जी से विनती कर उनकी आज्ञा पा चारों राजकुमारों को कलेव के लिए बुला लाए। यह सुनते ही लक्ष्मी निधि आनंद से उमंग कर सखाओं सहित घोड़ों पर चढ़कर प्रसन्न मन हो चले। कल निधि खावत है थिरका पति जन करत अनेक तमाशे। मृदु मुस्कात बरता बतरान परस्पर पहुँच गए जनवा से। सखन सहित तय उतरी तुरंग गते मिथिला पति के वारे। चारों सुत युत अवधराज को सादर जाए जुहारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। अनेक प्रकार की कला दिखाते घोड़े नचाते मंद मंद मुस्काते परस्पर बातें करते जनवासी में पहुंच गए। मिथिलापति के पुत्रों ने सखाओं सहित घोड़ों से उतर राजा दशरथ को सादर प्रणाम किया। अति सुख निधि लक्ष्मी निधि को लखी सुखन सहित सत्कारे। रघुकुल द्वीप महीप हाथ गहि निज समीप बैठारे। तेथिन सानू जानी रखी राम छवि सखन सहित सुख माने। लक्ष्मी निधि मुख दर्श पाए के राम नैन जुड़ाने। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। लक्ष्मी निधि को देखकर दशरथ जी ने उसका आदर सत्कार किया। फिर हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। लक्ष्मी निधि छोटे भाई सहित राम जी को देखकर प्रसन्न हुए। उधर लक्ष्मी निधि को देखकर राम ने भी अपने नैन शीतल किए। तब श्री निधि कर जोरी भूप सो कमल वैन उचारे। कर्ण कले हेत पठायो चारी हूँ राज दुलारे। सुनि मृदु वचन प्रेम रस साने दशरथ मृदु मुस्काने। चारी हूँ कुमर बुलाए वे गही विदा किए सुख माने। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि चारों राजकुमारों को कलेव करने के लिए भेजिए। स्नेह सहित कोमल वचन सुनकर दशरथ जी मंद मंद मुस्काए और तुरंत ही चारों कुमारों को भेज दिया। जनक नगर की जान तैयारी सेवक सब सुख पागे। निज निज प्रभु ही सुमारन लागे लैभूषण वर भागे। रघुनंदन सिर पाग जरक सी लसी त्रिभंगी बांधी। तिमिन रंगी झुकी कलंगी रुचि रुचि पैंजनी साधी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। इधर जनक जी नगर की तैयारी जानकर सब सेवक सुंदर गहने तथा बागे लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। राम जी के सिर पर जरकसी पाग बंधी उसमें नौरंगी कलंगी की मोतियों की लड़ी युक्त झुका कर बांधी।
वर्णी सके को राम को अनुपजुल हवेश। जेहि लखि शिव सन काज को रहत न तन ही सरेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। राम जी का दूल्हा वेश कौन बखान सकता है जिसे देख शिव सनकादिक को भी शुद्ध न रही। इव सजी अनुज सहित रघुनंदन चारों राज दुलारे। बड़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन वसन संभारे। जय रघुवंशी कुमर लाड़िले प्रभु कह प्राण पियारे। चढ़े तुरंग संग ते उस गमने राम संग मतवारे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। इस प्रकार राम जी छोटे भाइयों सहित सज कर उमंग में घोड़ों पर चढ़े। वे वस्त्र सजा कर चले। जो राम जी को प्राणों के समान प्यारे थे वे भी प्रेम से मतवाले हो घोड़ों पर चढ़कर राम जी के संग चले। राम बाम जिसे श्री लक्ष्मी ने जिसकन सहित तेहु सोहे। चंचल वागे किए तुरंग को की बातें करत हंसो है। जगवंदन जही राम जाहिरो रघुनंदन को बाजी। ताको गुण छवि कह लो वर्णों जही होत मन राजी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भाइयों और सखाओं सहित लक्ष्मी निधि हंसते और हंसाते बातें करते जाते हैं। राम जी के घोड़ों की छवि और गुण कहाँ तक कहें देखते ही मन राजी होता है। जित रुख पावे तित पहुँचावे छन आवे छन जावे। जिमी जिमी थमी थमी थिर कई भूमि पर गति पगति न दर्शावे। फांद चंचल चारु चौकड़ी चम चपल हुके चखक झापे। भरत कुंवर को तुरंग रंगी लो वर्णी जाए कहु का। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। वह घोड़ा राम जी की जहाँ इच्छा से जावे तहाँ ही पहुँचावे। क्षण में आवे क्षण में जावे। नाच नाच कर पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखावे। कूदने फांदते फांदने में चंचल चौकड़ी भरने में चतुर भरत जी का रंगीला घोड़ा है उसकी शोभा अवर्णनीय है। चंपा नाम चाल चटकीली जय पर रिपुहन भाए। सब समाज के आगे नृत्य मोर कुरंग लजाए। जो कहुने कहु हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो। बार बार चुचुकारी दुलारत ताहूं पे ना जुड़ा तो। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। चंपा नामक घोड़े पर शत्रुघ्न चढ़े जो कि सबसे आगे नृत्य करता हुआ चला उसको देख मोर और मृग भी ले जाते हैं। जो कहीं घोड़ा भी ऊपर को उठा लो तो बहुत ऊपर उठ जाए फिर बार बार चुचकारने से भी ठंडा नहीं होता। लखी घोड़ा लक्ष्मण लाल को बांको निपट चला को। उड़ी उड़ी जात वायुमंडल को परत न पगी महिता को। तड़फर आए उड़ी जाए परत है लक्ष्मी निधि है पाही। उचित विचार हंसे रघुवंशी राम हमृद मुस्काही। लक्ष्मण जी का लखी घोड़ा ऐसा है कि पृथ्वी पर पैर ही न रखे बार बार वायुमंडल को उड़ जाए। तभी तड़फड़ा कर लक्ष्मी निधि के घोड़े के निकट जा पड़े। उचित विचार कर रघुवंशी हंसे और राम जी भी मन में मुस्कुराए। तकी तुरंग की चंचलताई लक्ष्मण की देखी चढ़ाई। निमिवंशी रघुवंशी सिगरे ठगी से रहे विकाई। राम आदि जे कुंवर लाड लेते हु लखी भरे उछा है। रीझी रीति तह लक्ष्मण लाल को बार ही बार सरा है। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम।